भिवानी में आज आम आदमी पार्टी के नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों पदाधिकारियों को आपके राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान शपथ दिलाएंगे। पूरे प्रदेश भर से करीब 1400 नए पदाधिकारियों में से 1338 सर्कल इंचार्ज बनाए गए हैं। वहीं कुरुक्षेत्र जिले से 400 नए पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र जिला अध्यक्ष जगबीर जोगना खेड़ा की अगुवाही में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का काफिला भिवानी के लिए रवाना हुआ। बातचीत करते हुए जिला अध्यक्ष ने बताया कि इस कार्यक्रम को लेकर नए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। पार्टी के पदाधिकारियों को शपथ दिलाने के लिए खुद दिल्ली से सीएम अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं। निश्चित रूप से हरियाणा में पार्टी मजबूती के साथ खड़ी हो रही है। 2024 के चुनावों को लेकर अभी से पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। जगबीर जोगना खेड़ा ने कहा कि शपथ लेने के बाद सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी नए जोश और उत्साह के साथ कार्य करेंगे। जहां कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, वहीं अन्य लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम भी कार्यकर्ता द्वारा किया जाएगा। जी सर, क्या कहेंगे आज? आज जिला कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता सभी साथी भिवानी के लिए रवाना हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी सर्कल इंचार्जों को शपथ दिलवाने के लिए पहुंच रहे हैं। कुरुक्षेत्र के सभी साथी उस शपथ समारोह में शामिल होने के लिए कुरुक्षेत्र से निकल चुके हैं। कितने पदाधिकारी कुरुक्षेत्र से जा रहे हैं? कुरुक्षेत्र से लगभग 200 के आसपास पदाधिकारी हैं और 200 ही सर्कल इंचार्ज हैं, और लगभग सर्कल इंचार्ज के साथ चार चार पाँच पाँच लोग कुरुक्षेत्र से रवाना हो रहे हैं।